पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के नेता डॉक्टर शमी अहमद खान ने चैम्बूर वासी नाका में रोजा इफ्तार दावत का आयोजन किया, जिसमें दक्षिण मध्य मुंबई के शिवसेना उम्मीदवार राहुल शेवाले और बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजेश सिरवाड़कर पहुंचे थे। रमजान शाह बाबा मस्जिद के स्कूल ग्राउंड में आयोजित इस रोजा इफ्तार दावत में लगभग 1200 से ज्यादा लोग मौजूद रहे। ग्लोबल चक्र न्यूज के लिए आनंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारे मित्र डॉक्टर शमी साहब ने इफ्तार दावत रखा, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है, इसके लिए भी उनका धन्यवाद मानता हूँ। और हम सब पूरे महीने में रमज़ान के इस पाक महीने में हर रोज़ इफ्तार का दावत रखा है। शिवसेना की तरफ से हमारे शकील भाई ने सभी पूरे धारावी से लेकर एंटाफील चिता कैम्प सभी क्षेत्र में दावत रखी थी और उसमें मुझे शामिल होने का मौका मिला और सब जगह पर मुझे सम्मानित किया। इसके लिए भी सभी जो कमेटी है उनका भी मैं धन्यवाद मानता हूँ। और हम सभी एक साथ मिलके सभी त्यौहार हो और सभी धर्मों का सम्मान लेके ही काम करते हैं। और जो हमारी विचारधारा भी यही है कि सबका सम्मान करो, सबके साथ में रहो। और यही दक्षिण मध्य लोग इस क्षेत्र में आपको दिखाई देगा, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे से रहते हैं और विकास के काम में एकजुट में सब मिल के काम करते हैं। लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है इस क्षेत्र के सभी लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, दुआ देंगे, क्योंकि पिछले 10 साल में मैंने इस क्षेत्र के काम किए और लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है। और इस पूरा क्षेत्र का अगर विकास करना हो तो लोगों को पता है कि स्टैंडिंग कमेटी का एक्सपीरियंस है, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है सिविल इंजीनियर होने के नाते। लोग 10 साल मेरे पीछे खड़े हैं और भविष्य में खड़े रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। शुभकामनाएं सबको देता हूँ और इस ईद को ईद में सबको खुशियाँ मिले, यही मैं अल्लाह ताला को गुजारिश करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा, नवीन वर्षाची सुरुवात आहे उद्या आणि नवीन वर्षात सर्वांना सुख समृद्धि आणि वैभवाचं जावो हीच मी प्रार्थना करतो। इफ्तार दावत मेरी पहली नहीं है, पूरे महीने में इफ्तार दावत में अलग जगह जाने को मिला, हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ रोज़ा खोलने का भी मौका मिला और बहुत ही ये पाक महीना है, उस पाक महीने की सबको हम शुभकामनाएं देते हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि सबको खुश रखे, सबको बरकत दे और इस देश में आगे बढ़ने के लिए सब एक साथ में चले। मैं अपने तरफ से और अपने कमेटी रमजान साहब बाबा दरगाह कमेटी की तरफ से राहुल साहब का वेलकम करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हमने उनको इफ्तार की दावत दिया आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। और सब लोगों ने उनके काम को देखा है पिछले कई सालों से, जब वो नगर सेवक थे, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष थे तब, और 2 बार से उन्होंने खासदार रहा। और मैं ऐसा आशा और ऐसा उम्मीद करता हूँ उधर मोदी की हैट्रिक लगेगी, यहाँ पे हमारे राहुल सिवाला साहब का भी हैट्रिक लगेगी और पूरी जनता उनके साथ है, हम लोग तन मन धन से उनके साथ हैं। दुआ करें उनके कामयाबी के लिए और उनसे गुजारिश करें कि हमारी कौम का ख्याल रखें, हमारे कौम पे ध्यान दें। हमारी कौम की जो मसले मसाइल, अभी तक हम जो लेकर काम जाते थे, हमारी कौम की काम करते थे, अभी भी हम जहाँ जिस जगह पर है इस जगह पर हमारे कौम का कुछ काम बाकी है। हम राहुल साहब से हक से इस काम को करके करवा के लेंगे और मांगे हैं कि हमारी काम हमारी दरगाह के लिए, हमारी कमेटी के लिए करें। हमारा पर्सनल कुछ नहीं, हम अपनी कौम के लिए मांग करेंगे, हम कौम की हमारी जो ज़रूरत है चाहे किसी भी छोटा बड़ा हो सबके पूरा करें। इमरान भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये कोई पहले साल नहीं हो रहा है पूरे ज़िले में, अगले साल भी हमने माननीय खासदार राहुल शिवाले साहब के तरफ से रोज़ा अफ्तार का प्रोग्राम रखा है और ये साल भी रखा है। कोई इलेक्शन है इसके वजह से रोज़ा अफ्तार का प्रोग्राम पूरे ज़िले में हमारा हो नहीं रहा है। आप वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं, आज मेरे ग्रुप के माध्यम से रखा गया, बोटाला केदवई नगर में रखा गया, चेंबूर में रखा गया, अनुशक्ति नगर में रखा गया, तो अगले साल भी रखा गया था। और इस साल ये है कि थोड़ा बढ़ा दिया गया है, ज़्यादा हो गया, लोगों के हिसाब से मांगनी थी साहब हमारे इधर भी, जैसे अगले साल आपने अफ्तारी का प्रोग्राम रखा था इस साल अभी हमारे इलाके में भी रखना चाहिए, तो प्रोग्राम ज़्यादा हुए हैं। मैं देखो दोनों फेस्टिवल और दोनों बड़े फेस्टिवल आ रहे हैं तो एक अच्छी चीज़ है और ये बड़े त्यौहार के लिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे पक्ष के तरफ से, हमारे खासदार राहुल शिवाले साहब के तरफ से दोनों त्यौहारों के लिए, दोनों समुदाय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी दुआएं उनके साथ है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है।